स्वागत है दोस्तों। तो इस समय दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है। दुष्कर्मी ससुर को मरते दम तक जेल। दुर्ग की एडीजे कोर्ट का फैसला, 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। नव विवाहिता से करता था रेप। दुर्ग की एडीजे कोर्ट ने एक दुष्कर्मी ससुर को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधेड़ ने अपनी नव विवाहिता बहू से दुष्कर्म किया। बहू ने इसकी शिकायत अपने पति से की तो उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। परेशान होकर दोनों घर छोड़कर चले गए थे। इस पर ससुर माफी मांगकर घर ले आया, लेकिन फिर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस पर बहू ने जान देने की भी कोशिश की। मामले की सुनवाई जस्टिस मधु तिवारी की कोर्ट में हुई। मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने बताया कि मामला रानीतराय क्षेत्र निवासी युवक की शादी साल 2018 में हुई थी। शुरू से ही उसके ससुर की गलत नजर अपनी बहू पर थी। मौका मिलने पर 26 फरवरी 2019 की रात को अधेड़ ने बहू को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और कंधे में दर्द होने की बात कहते हुए बाम लगाने के लिए कहा। बहू बाम लगाने लगी तो ससुर ने उसे खींच लिया और जबरदस्ती करने लगा। शोर सुनकर दादी सास पहुंची तो बहू को छोड़ा। दादी के समझाने पर बहू ने यह बात अपने पति को नहीं बताई। इसके बाद दूसरे दिन घर के सभी सदस्य किसी काम से बाहर गए थे। इसका फायदा उठाकर अधेड़ घर पहुंचा और बहू के साथ दुष्कर्म किया। घर वालों के आने पर बहू ने पूरी बात अपने पति को बताई। विरोध करने पर पिता पुत्र में विवाद हो गया। इस पर पति पत्नी थाने पहुंचे और शिकायत की, लेकिन पुलिस ने समझा कर लौटा दिया। इसके बाद ससुर को जब भी मौका मिलता वो अपनी बहू से दुष्कर्म करता। परेशान होकर पति पत्नी घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए। करीब 5 माह बाद ससुर उनके पास पहुंचा और माफी मांगकर घर ले आया। इसके बाद फिर 12 अगस्त 2019 उसने बहू से छेड़खानी की। दुखी होकर बहू ने मिट्टी तेल पीकर जान देने का प्रयास किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद बहू ने अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मायके वालों के दबाव पर शिकायत दर्ज कराई गई और 16 अगस्त 2019 को उसे गिरफ्तार किया गया।